अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घर में खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी शबे बरात का ब्लॉग और इसके साथ मैं आप सबको इसकी रेसिपी भी दूँगी। तो चलिए मैंने क्या क्या बनाया था बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ ये चने की दाल का हलवा। तो इसके लिए हम चने की दाल को उबाल लेंगे और यहाँ पे मैंने चने की दाल 500 ग्राम लिया है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये 500 ग्राम मिल्क। और 30 मिनट्स के लिए इसे हम बॉईल कर लेंगे। जब तक ये गल ना जाए तब तक हम बना लेते हैं ये सूजी का हलवा। तो इसके लिए पहले मैं सूजी को भून लूँगी और इसे हम लो फ्लेम पे ही भून लेंगे ब्राउन होने तक। तो ये अच्छे से भुन गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर हम ऐड करेंगे घी 4 टेबलस्पून और इसमें हम ऐड कर देंगे ये शुगर 1 कप। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क 1 कप और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी ऐड किया है ताकि सूजी अच्छे से इसमें पक जाए। और इसमें हम ऐड करेंगे ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये सूजी और इसे 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। और सूजी को मैंने ब्राउन होने तक भून लिया था ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा है। तो आप सब भी इसी तरह से ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तो यहाँ पे सूजी का हलवा बनके रेडी हो गया है। अब हम बनाते हैं कोकोनट की बर्फी। तो हम पैन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी और इसमें हम ऐड कर देंगे ये ग्रेटेड कोकोनट और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही भून लेंगे लो फ्लेम पर। ये अच्छे से भुन गया तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे शुगर 1 कप और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और एक तरह की चाशनी आने तक इसे कुक कर लेंगे। इसे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हाथों में ये चिपकने लगी है। तो चाशनी रेडी हो गई है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे ये भुने हुए कोकोनट और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे ये 1 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने से कोकोनट की बर्फी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अगर मिक्स करते टाइम ये ड्राई लगे तो इसमें हम हाफ कप मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया था और इसे स्पैचुला से ही अच्छे से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे मैंने रेडी कर लिया है, तो एक थाली में मैं इसे निकाल लूँगी और इसे हम इस तरह से सेट कर लेंगे। इसके ऊपर ऐड करेंगे ये ड्राई कोकोनट और ठंडा होने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे कोई और शेप दे सकते हैं। तो आपको मैं एक निकाल के दिखाती हूँ कि कितना टेस्टी बना था ये। तो आप सब भी इस तरह से ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। तो अब हम बनाते हैं चने की दाल का हलवा। तो इसके लिए मैंने इसे भी बॉयल कर लिया है। आपको मैं दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से इसे बॉयल करना है ताकि हाथ से अच्छे से मैश हो जाए और बिल्कुल इसे ड्राई ही रखना है ताकि ग्राइंड भी अच्छे से हो जाए। तो इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसे हम एक पैन में ऐड कर देंगे और हमें इस बहुत ही बारीक पीस लेना है इसे और गैस की फ्लेम को लो से मीडियम रख के 30 मिनट्स तक भून लेंगे। इसको भूनने में काफ़ी टाइम लगता है और कंटिन्यू चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि ये पैन में लगे ना, नहीं तो बहुत ही जल्दी ये पैन में लग जाता है। तो यहाँ इसे भूनते हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हम ऐड करेंगे इसमें घी 3 टेबलस्पून और इसमें हम ऐड करेंगे शुगर 1.5 कप। इसकी भी हमें बर्फी बनानी है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी और इसकी भी हमें एक तार की चाशनी बना लेनी है। पानी अगर कम लगे तो थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और इसमें मैंने 1 पिंच येलो फूड कलर ऐड किया है और ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाशनी रेडी हो गई है। इसमें हम ऐड कर देंगे ये पिसी हुई दाल और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे हम भून लेंगे लो फ्लेम पे। और इसे तब तक भूनना है जब तक ये पैन से पूरी तरह से निकल ना जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दाल पैन को छोड़ने लगी है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं सेट होने के लिए। और इसके ऊपर ऐड करेंगे ये ड्राई फ्रूट और इसके ऊपर ऐड करेंगे हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ग्रेटेड कोकोनट भी ऐड किया था।
तो इसे हम ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसे भी मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो रेडी हो गया ये चने की दाल की बर्फी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये कोरमा, और ये है राइस। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, और आज की रात हम सब इसके ऊपर नियाज दिलाते हैं मरहूमों के नाम के, और रात को जाग के इबादत भी करते हैं। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरे दिन हम सब ने रोज़ा भी रखा था, तो वो भी आप सबके साथ आगे शेयर करूँगी। और रोज़े के लिए हम सब ने क्या क्या बनाया था वो भी आप सबको दिखाती जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रूट चाट बनाया है, काफ़ी गर्मी थी, और यहाँ पे ये सब फ्रूट्स हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी ने फ्राई किया था ये चिकन 65, और मैंने बनाया था कबाब। तो आप सब भी आ जाए हमारे साथ रोज़ा खोलने, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।